हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है अनीता की रसोई में। फ्रेंड, आज हम चिकन करी बनाएंगे। हम चिकन करी अपने घर में कैसे बनाते हैं, चलिए इस रेसिपी को हम शेयर करेंगे। तो हमने 1/2 kg ये चिकन लिया है, इसको अच्छी तरह से हमने धो के साफ कर लिए हैं। अब हम चिकन में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं, हम एक ही बार में इसमें नमक डाल के मिला लेते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल लेंगे और 1 चम्मच थोड़ा सा और 1/2 चम्मच चिकन मसाला डाल लेंगे और 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट और इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसी तरह चिकन में मसाले नमक एक ही बार में मिलाकर इसको हम 2 मिनट के लिए रख देंगे। इसे मसाले मिला के रखने से अच्छा भीन जाता है मसाला। तो हम कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 1 कलछुल तेल डाल लेंगे और उसमें हम 4 लवंग, 2 खड़ी दालचीनी और 1 इलायची डाल के इसका तड़का दे देंगे और 4-5 तेज़पत्ता डाल देंगे, इसको भी तड़का दे देंगे। अब बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, हमने 1 प्याज डाल लिया है, पतला लंबा 1 प्याज कट के। अब इसको हम भूनेंगे कुछ देर के लिए, इसको कलर आने देंगे प्याज को। देखिए हमारा प्याज थोड़ा भुना गया है, देखिए भुन गया है प्याज। और ग्रेवी को मोटा रखने के लिए हम प्याज को 1 प्याज लेंगे और 2 मिर्च मिक्सी के जार में डाल के इसका हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमने पेस्ट बना लिया है, अब हम प्याज में इसे डाल के इसको भून लेंगे। गैस को हमें लो मीडियम पे करके इसको इस प्याज को हम भून लेंगे, इसको कलर आने, इसका कच्चापन निकल जाए, बस इतना भून लेंगे 2 मिनट तक। देखिए इसका कलर आ गया है, अभी अच्छी तरह से भून गया है, साइड में तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम जो हमने चिकन मसाले सब मिला के रखे थे, अब इसमें डाल के इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। गैस को हमें लो मीडियम पे करके इस चिकन को हम भूनेंगे 1/2 मिनट पर, यह 1-1 मिनट का ढक कर इसको ऐसे भून लेंगे। हमने थोड़ा भी पानी का यूज़ नहीं किया है। अगर मसाला आपका जल रहा हो तो थोड़ा सा पानी का छींटा देकर इस मसाले को आप भून सकते हैं चिकन के साथ। देखिए हम ऐसे थोड़े थोड़े देर पर चलाते हुए भून लेंगे इसको। देखिए हमारा चिकन भुन गया है, इसका देखो साइड में तेल छोड़ दिया है, अभी पक गया है। देखिए एक इतना अच्छा भुन के रेडी हो गया है चिकन, इसका कलर इतना अच्छा आया है। इसी तरह आप भी बनाइए अपने घर में। अब इसमें हम पानी डाल लेंगे, हम 2 गिलास पानी डाल लिए हैं। आप जितना मोटा पतला रख सकते हो यही हिसाब से अपना पानी डाल सकते हैं। तो देखिए हमने इसको 10 मिनट ऐसे चिकन को पका लिया है। गैस को हमें लो मीडियम पर करके ऐसे पकाना है 10 मिनट तक। देखिए हमारा चिकन पक गया है, अब इसमें हम बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा ये चिकन बनके अच्छी तरह से रेडी हो गया है। इसका ग्रेवी कितना अच्छा मोटा है, इसी तरह आप भी बनाइए। देखिए हमारा चिकन तैयार हो गया है, अब इसको हम 1 प्लेट में निकाल लेंगे। आप भी इसी तरह मेरे तरह से आप भी ट्राई करिएगा अपने घर में। देखिए अब इसको हम धनिया से गार्निश कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से सजा लेंगे धनिया से। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है चिकन,
इतना अच्छा बन के रेडी हुआ है। इसी तरह आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ये खाने में अच्छा स्वादिष्ट रहता है ऐसे चिकन बना के खाने से। अगर मेरा वीडियो देखकर अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।